अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 10Beasts की तरह एक टोटल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको थीम की फाइल्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो हमने इस तरह की एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लॉगिन करें। सबसे पहले ये थीम इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू, अपलोड थीम, जेनेसिस, एक्टिवेट। उसके बाद एस्पायर प्रो एक्टिवेट करेंगे। इसको अपडेट कर लें। इसको सेटिंग निकालें। यहाँ से आप फोटो को चेंज करें। HTML का कोड डाला है मैंने ब्रेक करने के लिए। अच्छा, फुटर हो गया। अब थोड़े बेसिक पेजेस बना लेते हैं। मैं तो क्लास के एडिटर इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको गुटनबर्ग अच्छा लगता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास के एडिटर करें। अच्छा, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी। अबाउट हो गया, आगे कॉन्टैक्ट, आगे एफिलिएट डिस्क्लोजर। टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी।
कॉन्टैक्ट पेज हो गया। आगे जाएंगे मेन्यूज, मेन्यू बनाएंगे पहले। फुटर सेव मेन्यू, फुटर कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे फेविकॉन, या पहले लोगो लगा लेते हैं। लोगो इनके डाउनलोड करके लगा देते हैं। सही अपलोड नहीं हुआ एक बार, अब फेविकॉन लगाएंगे।
जी फेविकॉन भी हो गया। ओके जी, अब हम बनाएंगे हेडर। प्राइमरी के लिए सिलेक्ट करें और सेव मेन्यू कर दें। ओके सो हेडर और फुटर कंप्लीट हो गए हैं, इसको छोटा करने वाला रह गया। ओके सो अब सारे विजेट रिमूव करेंगे। कस्टम सीएसएस ऐड करेंगे।
ये सारी सी एस एस ऐड का अपडेट फाइल। ठीक, अब जेनेसिस की सेटिंग। विजिट्स ऐड करेंगे।
इस तरह जितनी चाहे आप उतनी कैटेगरीज बना सकते हैं आप। अब इनमें एक एक दो दो पोस्ट ऐड करेंगे टेस्टिंग के लिए। अच्छा जी, होम पेज तो हो गया काफ़ी हद तक। अब एक शॉर्ट कोड का प्लगइन करें। प्रोज एंड कॉन्स टेबल ये हो गया।
सेव। हाइड कंटेंट सेक्शन, अब बनाएंगे साइड बार। लेआउट सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करना, ये डिफॉल्ट हो जाएगा फिर। अच्छा ये साइड बार हो गए, ये एफिलिएट पोस्ट। सीएसएस अपडेट हो गई, अच्छा जी डिज़ाइन चेंज हो गया। अब ये लोगो की सीएसएस ऐड करें, सीएसएस ऐड करेंगे तो ये भी ठीक हो जाए। वेबसाइट रेडी हो गई हमारी, और हम इसमें फीचर्ड इमेज यूज करते हैं।
इमेजेस भी शो हो रही हैं। अच्छा जी, अब पोस्ट टेम्पलेट को कंपेयर करेंगे।
विजिट लॉजिक इस्तेमाल करने से जो पोस्ट आईडी लिखेंगे वो इशू होगी। बस ठीक है, वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।